Hello everyone, welcome to the channel. Now today in this video session I'm going to explain how can you prepare for Nibosh IG examination. इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूं कि निबोश आईजी का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो आपको तैयारी कैसे करनी है. ओके, आप क्या पढ़कर जाइएगा, क्या प्रिपरेशन आपको पहले करनी होगी जिसकी हेल्प से आप आसानी से पहले अटेम्प्ट में ही निबोश आईजी को क्वालिफाई कर पाइए. नाउ द पेपर ऑफ फर्स्ट निबोश आईजी इज ऑफ मैनेजमेंट. पहला पेपर जो है वो मैनेजमेंट का, जो दूसरा पेपर है दैट्स रिस्क प्रोफाइलिंग, ऑल्सो नोन एज रिस्क असेसमेंट. दूसरा पेपर जो है वो रिस्क असेसमेंट है जिसको रिस्क प्रोफाइलिंग के नाम से भी जानते हैं. सो जैसा कि आपने सुना होगा, देखा होगा, बहुत सारे कैंडिडेट जो पहली बार में बैठते हैं निबोश आईजी एग्जामिनेशन के लिए वो फेल कर जाते हैं, रेफर रह जाता है उनका. इसलिए कि उनकी तैयारी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिस वीडियो के हेल्प से मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को ये बता पाऊं कि उनको क्या तैयारी करनी है, क्या पढ़ के जाना है, क्या पढ़ना है आपको पहले से, ताकि आप निबोश के जो एग्जाम्स है ओबी ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन जिसमें सिनेरियो से सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वहां आप सूटेबली आंसर कर पाइए ताकि पहले अटेम्प्ट में पास कर पाइए. So I have listed down a few data, a few things, books that you must read if you are going to appear for Nibosh IG examination. Now the first thing you need to do is to download a health and safety policy of any company. आपको क्या करना होता है, सी आप अगर नॉलेज आपके पास से आप मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छे से समझ चुके हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी आए आप इजीली उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. और जो सिनेरियो निबोश पूछ रहा है आजकल उन सिनेरियोज में मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो मैनेजमेंट को लेकर होते हैं. ओके, सो मैनेजमेंट को समझने के लिए आपको हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपके जानने में कोई ऐसा बंदा है जो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है तो आप उसको बोलो कि आपके कंपनी का जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी आप उसकी कॉपी हमें भेज दो. आप उस पूरी पॉलिसी को, एक हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी आई प्रिज्यूम की अप्रॉक्सिमेटली 500 to 600 पेजेस की पॉलिसी होगी, लेकिन अगर आप उस पॉलिसी को ठीक से पढ़ लेते हैं तो आपके निबोश का 30% से 40% प्रिपरेशन ऐसे ही हो जाता है. सो दैट्स द फर्स्ट ऑप्शन, आप किसी जानने वाले से एक पॉलिसी ले लीजिए. द सेकेंड ऑप्शन इज यू कैन सर्च इट ऑनलाइन ऑन गूगल, बहुत सारी कंपनीज का सैंपल आपको पॉलिसी का मिल जाएगा. सो डाउनलोड अ सैंपल, एक सैंपल डाउनलोड कीजिए एंड गो थ्रू द पॉलिसी वेरी केयरफुली, उस पॉलिसी को पढ़िए आप, इससे आपका प्रिपरेशन बहुत बेहतर होगा. सेकंड, बुक्स. जब आप निबोश आईजी के लिए रजिस्टर्ड होंगे तो बहुत सारे प्रोवाइडर्स बुक्स प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो आई पर्सनली प्रीफर आरआरसी बुक्स. मैं पर्सनली प्रीफर करता हूं आरआरसी बुक्स को. बुक्स बहुत सारी बुक्स मार्केट में है, सारी बुक्स अच्छी हैं, लेकिन कुछ बुक्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है तो वहां पे आप पॉइंट भूल जाते हैं, आपका मेन मोटो निकल जाता है कहीं और. एंड आरआरसी की बुक को इस तरह से कस्टमाइज किया गया है कि वो एग्जामिनेशन पैटर्न को देखते हुए बुक कस्टमाइज की गई है कि आप एग्जाम को इजीली सक्सेसफुली क्वालिफाई कर पाइए. पर्पज आपका एग्जाम क्वालिफाई है करना है. जहां तक नॉलेज की बात है तो नॉलेज इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा जब आप वर्क प्लेस पर जाएंगे, जॉब करेंगे या डिफरेंट डेटा अगर आप लेंगे या पढ़ेंगे तो. नाउ योर पर्पज शुड बी ऑन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन. सो रीड बुक्स ऑफ आरआरसी. नाउ द थर्ड इज परमिट्स एंड सेफ सिस्टम ऑफ वर्क. Try to find some of the permits. कोशिश कीजिए कि कुछ permits के samples download कीजिए. Excavation के लिए permit, hot work permit, permit for lifting equipment like mobile crane, permit for confined space entry. So download at least 20 to 25 permits and read all those permits carefully. Permit to work system को समझने के लिए आप वो सारे permits को पढ़िए. And most importantly, risk assessment. Okay, risk assessment and investigation report. What you need to do, आपको क्या करने की जरूरत है कि किसी कंपनी का रिस्क असेसमेंट का कुछ सैंपल्स निकालिए या गूगल से डाउनलोड कीजिए और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो होता है उसके कुछ रिपोर्ट्स को लीजिए. क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है अबाउट कल्चर, नेगेटिव कल्चर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी या फिर मैनेजमेंट फेलियर बिहाइंड एन एक्सीडेंट. तो इस चीज से अगर क्वेश्चन आता है और आप पहले से पढ़ा हुआ है, आपने रिस्क असेसमेंट के रिपोर्ट्स को पढ़ा हुआ है, आपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को पहले से आपने पढ़ा हुआ है तो आप इजीली मैनेजमेंट फेलियर को वहां पर आइडेंटिफाई कर पाइएगा और आंसर लिखते वक्त वो सारे पॉइंट्स वहां पर कवर कर पाइएगा. आपका आंसर जितना प्रैक्टिकल होगा, जितना सिनेरियो से लिंक्ड होगा, वर्क प्लेस से लिंक्ड होगा, आपको मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे और आपका सक्सेसफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होने का चांस उतना ज्यादा बढ़ जाता है. देयरफॉर डू दैट, ये आपको करने की जरूरत है. नेक्स्ट इज ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट, जैसे आपको पता होगा कि इंटरनल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है. ऑलवेज रिमेंबर कि ऑडिट रिपोर्ट को जब आप पढ़ते हैं तो ऑडिट रिपोर्ट में स्पेसिफिकली फोकस किया जाता है अपॉन मैनेजमेंट फेलियर पर. ऑडिट क्या होता है, ऑडिट इज अ केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स इफेक्टिवनेस.
जो HSMS मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए ऑडिट कंडक्ट किया जाता है। तो अगर आप ऑडिट की रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं तो स्पेसिफिकली फोकस किया जाता है कि वहां पर मैनेजमेंट फेलियर्स क्या क्या हैं और आप कैसे उन मैनेजमेंट फेलियर को इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप प्रीवियस 2-3 ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो इससे आपका वो सेक्शन जो है एंड जो है वो भी स्ट्रांग हो जाता है। सो इफ यू रीड ऑल दीज थिंग्स दैट आई हैव रिकमेंडेड इन दिस वीडियो, आई पर्सनली फील दैट योर चांसेस ऑफ गेटिंग क्वालिफाइड और क्वालिफाइंग निबोश IG इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इज मोर देन 80%। आई डू होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, टेक केयर, बाय बाय।